13 Pro जिसको बेस्ट कैमरा फोन माना जाता है। अब 3 साल पहले iPhone 11 Pro लॉन्च हुआ था और इसके बाद ही iPhone 12 Pro आया। तो यहां पर आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों ट्रिपल कैमरा सेटअप्स को जो कि Apple देता है बैक टू बैक हर साल अपग्रेड करके, एंड देखते हैं कि iPhone 13 Pro, iPhone 12 Pro एंड iPhone 11 Pro में कितना डिफरेंस रहता है। तो आज की वीडियो में मैंने इन तीनों फोन से अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में काफी सारे कैमरा सैंपल्स लिए हैं, बट मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, सिर्फ फोटोज दिखाऊंगा, क्योंकि आपको बताना है कि कौन सी फोटो कौन से फोन से ली गई है नीचे कमेंट्स में, बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड कैमरा टेस्ट, सो कीप गेसिंग। तो अब ऐसा करते हैं, मैं अपने ऑफिस से कुछ लोगों को बुला लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सारी फोटोज को शफल कर चुके हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद डेलाइट ऑटो मोड। तीन फोटोज है आपके सामने स्क्रीन पर, ए बी एंड सी, और आपको ये बताना है कि तीनों में से सबसे पहले तो बेस्ट फोटो कौन सी है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके हिसाब से तीनों में से iPhone 13 Pro वाला शॉट कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में काफी सारे शॉट्स दिखाने वाला हूँ। सो हियर वी गो। बी वाला, आई वुड से ए, मैं, क्योंकि मुझे बादल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सेकंड वन बी, बी भाई छुट्टे की। चलो कौन सा iPhone चला रहे हो? 12। बाकी चीजें ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे बी ज्यादा पसंद आ रही है। A, A, A is काफी clear. A again, नहीं, but then I believe मुझे A में क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है, the shadows are much more brighter. Technical, right? C. एक बहुत टफ है यहाँ पे बता पाना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो डेली आता हूँ इस बिल्डिंग में, तो मुझे पता है एक्चुअली में बिल्डिंग सी जैसी दिखती है, बट क्योंकि लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली ये बिल्डिंग कैसी दिखती है, तो उनको शायद ये बी ज्यादा पंची कलर्स पसंद आए। आई गेस इट्स ए, नो नो नो, यू कंफ्यूजिंग मी, इट्स सी। बी, इट हैज टू बी द लास्ट वन। लास्ट वन बी। यूज करते हो कभी अल्ट्रा वाइड एंगल? हां हां। ब्लर भी जो है तीनों का सिमिलर लेवल का, बट लाइक फॉर सम रीजन मुझे जो बी वाली फोटो है वो ज्यादा पसंद आ रही है। सी, इतनी जल्दी सी? या इट्स वाइब्रेंट, इट्स वाइब्रेंट, इट्स क्लियर। सी, सी, ए, ए, बी वाला थोड़ा येलो येलो लग रहा है, और सी नहीं, सी वाला बहुत ज्यादा ही एकदम पास है। एजेस डिटेक्ट करना इजी है, चश्मा सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है आर्टिफिशियली जब आप करते हो। ओवरऑल फोटो की जो वाइब है वो बी में अच्छी है। द सी वन गॉट बेटर पिक्सेल्स, बट द इमेज दैट लुक्स गुड इज द बी वन। हां, बी नहीं नहीं, बी लुक्स गुड, बी लुक्स गुड, पोर्ट्रेट मोड है, पीछे ब्लर है अच्छे से। सी, कौन सा ग्रीन बेटर है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सी, तो आई हैव नो आइडिया कि मैं यहाँ पे चूज कैसे करूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट आई वुड हैव टू से सी का जो ग्रीन है ज्यादा नेचुरल लग रहा है मुझे। ओके, द बेस्ट इन ग्रीन इज बी। सी, रेड आई बिलीव लुक्स द बेस्ट इन सी। रेड, इसमें भी सी, इसमें भी सी। हां, एक मेरा दिमाग फट रहा है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना इन तीनों में से डिस्टिंग्विश कर पाना,
ना, बट आई वुड से कि अब इतनी बार बी बोल दिया तो इसमें भी बी बोलो। सी सी और बायस क्रिएट हो गया नहीं नहीं कलर्स अब बेटर था आप टू चूज ए पर वो ब्लू स्काई देखूं तो सी में अच्छा है येलो भी सी ये भी सी तो सी आई वुड से सी बेटर है आप इट्स ए ए सी अगेन बी ए वाले सारे शॉट्स ही घटिया हैं क्या तुम्हारे इसमें ए सबसे कम ब्लू है बी उससे ज्यादा ब्लू है और सी सबसे ज्यादा ब्लू है तो आई वुड से सबसे ज्यादा ब्लू सी ए द वन विद द बी ओके 6 1 3 6 7 ए या द सेकंड वन अरे ये क्या बात है बी बिटवीन बी एंड सी अच्छा हर बार ऐसा ही है क्या बिटवीन बी एंड सी हाँ, but then this one सी सी जाते हैं इस बार सी सी को जाते हैं ओह ये तो वही से यही सोफा है बिल्कुल तो एक बार सोफे की तरफ देखो और फिर यहाँ पे देखो और फिर बताओ कौन सा सोफा ज़्यादा सुंदर लग रहा है फोटो से ये भी सी मखमली जो फील होती है उसमें हमेशा थोड़े से ना शेडो ज़्यादा बनते हैं तो सी थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है ओ ओके इट्स ए तीनों ही सेम लग रहे हैं ऑलमोस्ट ए ए ए बी B? Hmm. Not C this time? Not really. इसमें B वाला. Best बोल सकते हो A है. वो तीनों same लग रहे हैं. A. B B B. B. Has to be between A and B again, but B. B again. C वाली ज़्यादा bright. C. Choose करना काफी tricky है ना? But I would say अगर मेरे को choose करने ही होगा तो I would pick A. B. यार ऑलमोस्ट ऑल आर सेम बी सी 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 आउटडोर सेल्फी में लाइक नो कॉन्टेस्ट सी इफ आई हैव टू पिक द इमेज देन इट्स सी आउटडोर सेल्फी सी 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 अगेन आई विल गो फॉर बी मेरी आंखों से परे है Like, मैं नेकेड आई से नहीं जज कर पा रहा हूँ बट आई वुड से इफ आई हैव टू पिक अ रैंडम गेस ए सी सी अगेन सी अगेन व्हाट नेक्स्ट में दिस वन लुक्स सेम एंड ऑल नाउ ए लुक्स मच वर्स देन बी एंड सी बट देन आई बिलीव बी इज द बेस्ट अब सी ज्यादा रिफाइंड लग रहा है अगेन सी इज द मोस्ट रिफाइंड वन तो सब सेम ही है हां सी वाला इसमें भी सी वाला इसमें भी सी क्लैरिटी फोन कौन सा है यार ये सी ये भी सी ये भी सी है अभी नॉर्मल फोटो है इसको ठीक है 3x में आई हैव नो क्लू 5x कर सकते हैं 5x के हिसाब से चूज करूंगा ना आई वुड से यहां पर सी वाला ज्यादा डिटेल्स लेकर आ रहा था हां सी है 1x 3x बी ओके इट्स बी अगेन दैट्स वे मोर क्लियर दैट सी इज क्वाइट गुड राइट इसको नॉर्मली लिया है तीनों फोन से अब इसको करेंगे 3x क्लियर है वो कर देते 5x बेस्ट लो लाइट सी 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 See, without night mode, C was outrightly the best one. With night mode, I believe again C. इसमें भी C, A. यहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि C. Eyes like आँख बंद करके बैठा रहे. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो B या A है, इन दोनों में से जो B का contrast है, like it's like very very soothing. Like वो ज़्यादा pleasing image लग रही है low light के हिसाब से. So I would say B. Off है ना? हाँ. C. Yeah, it's C. C. The image is good. इस बार मेरे को बी लग रहा है कि बी मोस्ट लाइकली आईफोन 13 प्रो होना चाहिए हो सकता है सी 13 प्रो आई डोंट नो सी वुड बी 13 प्रो अच्छा बी कौन सा और क्या बी देखो मुझे नहीं 13 प्रो कौन सा आपको ये बता कि बी फोन कौन सा देखो
भी हो सकता है 12 प्रो या 11 प्रो, बट यार ऑब्वियसली बचा ही कुछ नहीं है ना, यही बचा है, तो लाइक इट्स टफ। तो अगर मेरे को एक रैंडम गेस करना होगा तो मैं बोलूंगा 11 प्रो है अभी, तो फिर 13 प्रो इज द सी, सी हो सकता है 13 प्रो। सो फाइनली देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड क्या निकल के आया है बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। सो स्कोर कार्ड देखने के बाद एक चीज जो काफी क्लियर है वो ये है कि लोगों को ए वाले शॉर्ट्स इतने ज्यादा पसंद नहीं आए, बी वाले बहुत सारे लोगों को पसंद आए, एंड सी भी ऑलमोस्ट इक्वली लोगों को पसंद आए। सो यहाँ पर जो बी एंड सी फोन्स हैं उनके बीच में स्कोर का काफी अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट लाइक शॉर्ट्स टेकन बाय द फोन इन ए पोजिशन। तो अब आप लोगों को गेस करके बताना है कि ए बी और सी फोन्स कौन से थे नीचे कॉमेंट्स में, और जैसे ही इस वीडियो पे 200 कॉमेंट्स हिट हो जाएंगे मैं जो आंसर्स हैं जो एक्चुअल रियल आंसर्स थे उनको कमेंट में ही पिन कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप 11 प्रो 12 प्रो एंड 13 प्रो को 1-to-1 कैमरा वाइज कंपेयर करते हो तो रिजल्ट्स कैसे निकल के आते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछो तो तीनों के ही कैमरास काफ़ी कंसिस्टेंट थे, काफ़ी क्लोज टू नेचुरल थे, एंड कई बार मैं लिटरली बहुत कंफ्यूज हो गया कि तीनों में से एक विनर मैं कैसे चुनूं। और एक और चीज जो आप लोगों को कमेंट्स में बतानी है कि ए बी और सी में से आपको कौन सी फोटोज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लोगों को कैसी फोटोज पसंद आती हैं और क्या जो कैमरा टेक्नोलॉजी है वो एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में जा भी रही है या फिर नहीं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक नई वीडियो बनाने। आप कॉमेंट करते रहो।